मैं सोच रहा हूँ कि बीजीएमआई की लाइफ स्ट्रीम क्यों ना कर जाए, वैसे हम इमुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये रही आलू की खीर। कैसी खीर है, एक चम्मच टेस्ट करके देखे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल मैंने नहा धोके नाश्ता कर लिया है और जैकेट डाल ली क्योंकि बहुत बहुत ठंड हो रही है। तो फिलहाल चलते हम लोग शॉप पर। शॉप से जाना हमें, जहाँ पेट्रोल पंप पे काम चल रहा है वहाँ थोड़ा सा काम है, 2 घंटे का काम है, 2-3 घंटे का, तो काम वहाँ पे निपटाते हैं। Later. Later. तो अभी हम लोग काम करके आ चुके हैं, अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खाने के लिए आए हैं और देखते हैं अभी खाने में क्या बना है, चावल बने या फिर रोटी। तो फिलहाल अपना खाना आ चुका है। खाने में है आलू मटर, पराठे गर्मा गर्म और दाल, और इसमें भी है भाई पराठे। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो कैसे फिलहाल मैं खाना ना खा के ऊपर की तरफ आ चुका हूँ और कंप्यूटर में बैठा हुआ मैं एक चीज चेक कर रहा था कि मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो मोबाइल है उसको पीसी के साथ कनेक्ट करके उससे लाइव स्ट्रीम हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बीजीएमआई की लाइव स्ट्रीम क्यों ना कर जाए, वैसे हम इमुलेटर भी यूज कर सकते हैं बट उसमें पीसी थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो यार हो सकता है स्ट्रीम लैग करे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल की जो डिस्प्ले है वो पीसी में करके स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस समय मैं हूँ मोस्टली टैकी वाले चैनल पर और इनकी ये लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो है, तो इसको मैं चेक करता हूँ इसमें कौन कौन से दिखाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे हम लोग मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो भी आज हल्द्वानी आ रखे हैं उत्तराखंड में, और जो कि बहुत अच्छी बात है यार। देखा मैंने टीवी पर, काफी अच्छा लगा उसे सुन के, और अभी फिलहाल इसको देखता हूँ मैं, ये कौन कौन सी चीज बताते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं, हमारे को अफोर्डेबल है या फिर नहीं। वैसे तो लिख रखा है 300 रुपए में हम लोग कर सकते हैं, तो एक बार चेक करते हैं उसके बाद देखता हूँ कि हमारे लिए यूजफुल है या फिर नहीं। 5 minutes later. तो गाइस फिलहाल मैंने पूरी वीडियो देख ली है और इन्होंने 3 चीजें बताई है। एक तो साउंड कार्ड, जो कि हमें की जरूरत नहीं है क्योंकि साउंड कार्ड यार लैपटॉप में लगता है और हमारे पीसी में तो माइक का पोर्ट है वो दे रखा है, ठीक है, साउंड कार्ड की हमें जरूरत नहीं है। और दूसरा रहा स्प्लिटर, स्प्लिटर की जरूरत है अपने लोगों को, स्प्लिटर मार्केट में पता करेंगे, अगर स्प्लिटर मिल गया तो लेते आएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल मार्केट। तो गाइस फिलहाल मैं मार्केट होकर के आ चुका और मार्केट से मैं ये लेके आ चुका स्प्लिटर। तो ये मैं लेके आ चुका हूँ, मुश्किल से 60-70 रुपए के आसपास का पड़ा, और ऑक्स केबल वगैरह जितने भी चीज चाहिए वो मेरे पास फिलहाल है, और बीजीएमआई की लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहा हूँ, तो फिलहाल उसको सेटअप करते हैं हम लोग। और यार लग तो मस्त रहा है वैसे, तो निकालते हैं ऑक्स केबल भी निकालते हैं और यूएसबी भी पड़ी है मेरे पास, जल्दी से उसका सेटअप करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, क्यों नहीं कर रहे, 7 बार बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फिलहाल पूरा चेक कर लिया मैंने, जो स्प्लिटर लेकर गया था स्प्लिटर वैसे प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट यार दिक्कत जो लग रही है ना, ये देखो ये जो ऑक्सी केबल है, ये ऑक्सी केबल जो पीछे माइक के पोर्ट में लग रही है, तो इन दोनों में से किसी में दिक्कत है यार, तो फिर माइक के पोर्ट जो है वो तो मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मैं कनेक्ट करके देख चुका हूँ। हो सकता है कि ये जो ऑक्स है भाई इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वॉइस बार बार ड्रॉप हो रही है, इसमें हम लोग लगा रहे हैं तो आवाज बार बार ड्रॉप हो रही है, तो पता नहीं क्यों हो रही होगी, इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे, अभी तो फिलहाल इसको ऐसे छोड़ते हैं। क्योंकि मैंने मेरा जो हेडफोन है, हेडफोन इसमें लगा के देखा वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि भाई ये चीज तो एकदम ठीक है हमारी, बट हो सकता है ये ऑक्सी केबल में दिक्कत हो, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे यार, ऑक्सी केबल दूसरी लेके आ जाएंगे, या कहते हो सकता है एक दो पड़ी हो हमारे पास उसमें देख लेंगे, मिल गई तो बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल इसको ऐसे छोड़ते हैं, दुकान बढ़ा के आनी है, दुकान बढ़ाने का भी टाइम हो गया, तो अभी हम लोग चलते फिलहाल शॉप पर, इसको हम लोग शट डाउन करते हैं, इसको बाद में देखेंगे फुर्सत में, चलते फिलहाल शॉप पर, शॉप बढ़ा के आते हैं।
तो फिलहाल सारी गाड़ियां मैंने अंदर कर दी है और मूंगफली लेकर के आया था। मूंगफली मैंने अंदर दे दी है खाने के लिए, यार बहुत मन कर रहा था, बहुत दिनों से खाई नहीं थी, तो मूंगफली अंदर दे दी है। अभी खाने में देखते हैं क्या बना है। तो ये खाने में बनी है फिलहाल बड़ी रोटी, और ये देखो पता नहीं कैसी है आलू की खीर। आलू की भी खीर बन सकती है क्या यार? आलू की खीर पहली बार खाएंगे यार, देखते हैं कैसी होती है यार आलू की खीर। पहली बार नाम सुन रहा हूँ आलू की खीर भी होती है, आलू ने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी खीर भी बन सकती है। ये देखो ये रही आलू की खीर, कैसी खीर है, एक चम्मच टेस्ट करके देखे। कच्चा आलू की है क्या? नहीं, उबाल के आलू बनाए मीठे आलू की तरह। तो टेस्ट तो अच्छा है, टेस्ट तो अच्छा है, बाकी बाद में खाएंगे खाना खाने के बाद। तो ये पहले खाना खाएंगे उसके बाद। यार टेस्ट में तो बहुत बढ़िया यार, सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हो सकती है। आलू ने भी सोचा होगा कि इसकी खीर बन सकती है। तो ये फिलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद ये खीर खत्म करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर कमरे में, क्योंकि ऊपर कमरा सेट करना है, बिखरा पड़ा है सारा सारा कमरा बिखरा पड़ा है। तो ये जाके कमरा सेट करता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से ऊपर जाके मिलता हूँ। तो अभी अपनों ने खाना फिनिश कर लिया, खाने के बाद मस्त मस्त यार, क्या देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अभी खाया भी था तो टेस्ट में भाई बहुत अच्छा था। आलू की खीर बहुत मस्त है यार, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं ऊपर एडिटिंग करने के लिए। A few moments later. तो भाई सही फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऊपर वाले कमरे में, और यार अभी एडिटिंग करना बाकी है, और मेरे को भाई बहुत नींद आ रही है, और एडिटिंग करना भाई जरूरी है, नहीं तो कल यार ब्लॉग नहीं आएगा। तो अभी मैं जाता हूँ एडिटिंग करता हूँ, और नींद तो आ रही है, बट कोई बात नहीं थोड़ी देर लेट हो जाएंगे। तो अभी चलता हूँ एडिटिंग करने के लिए, और इस वीडियो को फिलहाल हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आज की वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिलहाल मैंने नहा धो के एकदम नाश्ता तैयार कर लिया, सॉरी।